आनंद विहार टर्मिनल और शाहदरा टर्मिनल पर डीटीसी बसों में नहीं है मार्शल। मार्शल्स की मांग, पिछले 6 महीनों की चाहिए सैलरी। होमगार्ड नहीं बनना चाहते मार्शल्स। BS6 वाहनों पर प्रदूषण के लिए चल रही है चेकिंग। दिल्ली में नहीं चल रही BS3 BS4 बसें, अभी भी दिल्ली में आ रही हैं बाहरी बसें। सीलमपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया बुलडोजर, दर्जनों दुकानों पर चला बुलडोजर। निगम द्वारा सामान भी किया गया जब्त, काफी समय से दुकानदारों ने किया हुआ था अतिक्रमण। मेट्रो कर्मचारी अवैध पटाखे के धंधे में शामिल, मंडावली पुलिस ने 20 किलो पटाखे के साथ किया गिरफ्तार। गाजियाबाद और गुरुग्राम से खरीद कर लाता था। मकान के आगे से रेडी हटाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से किया गया हमला। पुलिस ने किया मामला दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लगभग 6 महीने से डीटीसी और क्लस्टर बसों के मार्शल सैलरी और अन्य मांगों को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार करने के बाद सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों से जुड़े कर्मचारी लगातार सरकार से उनकी मांगों को मानने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन मार्शलों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी माली हालत खराब हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल डिफेंस कर्मियों को होमगार्ड के रूप में नियुक्त कर बस में मार्शल के रूप में तैनात किए जाने के निर्णय से उनकी नौकरी भी खतरे में नजर आ रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ सियासी खेल है, जबकि हकीकत यह है कि उन्हें होमगार्ड नहीं बनाया गया है और उन्हें बनना भी नहीं है। उन्हें सैलरी चाहिए जो उन्हें पिछले 6 महीने से नहीं मिली है। इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने लिया तो देखने को मिला कि आनंद विहार टर्मिनल और शाहदरा टर्मिनल पर डीटीसी बसों में मार्शल्स नहीं है, जिससे दिल्ली सरकार का सुरक्षा मॉडल बेहाल बन गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से लड़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट लागू कर दिया था। कहा गया था कि 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG और BS6 बसें ही प्रवेश कर पाएंगी और BS3 और BS4 बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने आनंद विहार ISBT का जायजा लिया तो BS6 वाहनों का प्रदूषण के लिए चेकिंग देखी गई है। सूत्रों का कहना है कि यहां सभी बसों की चेकिंग की गई है। दिल्ली की सभी CNG हैं और जो BS3 BS4 हैं वे दिल्ली में नहीं चल रही हैं, लेकिन बाहरी बस दिल्ली में आ रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर MCD का बुलडोजर चलाया गया, जिसमें सीलमपुर लोहा मार्केट में थाने की पुलिस बल की सहायता से दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से उनकी दुकानों के आगे बढ़ाकर टीन टप्पर से किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को JCB द्वारा तोड़कर हटाया गया। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ा गया। यहां के दुकानदारों ने लोहा मार्केट में काफी समय से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी शिकायत यहाँ के दुकानदारों ने लोहा मार्केट में काफी समय से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही थी। इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी अतिक्रमण के खिलाफ याचिका डाली गई है, जिस पर कार्रवाई की गई। आज की कार्रवाई में लगभग 500 मीटर की दूरी को अतिक्रमण मुक्त किया गया और साथ साथ निगम द्वारा सामान भी जब्त किया गया। इस स्थान पर दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस को सख्त हिदायत दे दी गई है। साथ ही निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मेट्रो का एक कर्मचारी राजधानी दिल्ली में पटाखे की अवैध डिलीवरी करता हुआ पाया गया है। पूर्वी दिल्ली जिले के मंडावली थाना पुलिस ने पटाखे की डिलीवरी करने वाले मेट्रो के एक अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिव्यांशु के तौर पर हुई है। पुलिस ने इसके घर से 20 किलो 900 ग्राम पटाखे बरामद किए हैं। मंडावली थाना पुलिस ने सरकारी आदेश के उल्लंघन और विस्फोटक पदार्थ बेचने की धारा में FIR दर्ज की है। इस जिले की DCP अमृता गुगलोत ने बताया कि मंडावली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पांडव नगर इलाके में एक शख्स चोरी छिपे पटाखे बेच रहा है। हेड कांस्टेबल योगेश मनोज और कांस्टेबल अनीता की एक टीम बनाई गई। टीम ने एक घर पर छापेमारी करके आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के घर से पुलिस को पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मेट्रो में अस्थायी कर्मचारी है और जल्दी रुपए कमाने के लालच में वह ज्यादा कीमत पर पटाखे भी बेच रहा था। वह गाजियाबाद और गुरुग्राम से पटाखे खरीद कर लाता था और दिल्ली में ग्राहकों की मांग के अनुसार डिलीवरी करता था।
राजधानी दिल्ली में लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर इतने गुस्से में आ जाते हैं कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके के चौहान बांगर मटके वाली गली का, जहां बीती रात मकान के आगे से रेडी हटाने को लेकर दो लोगों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और चाकू से हमला भी किया गया, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एंटर्की ने बताया कि बीती रात सलमान की रेडी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। रेडी हटाने को लेकर याकूब के मजदूरों और सलमान के बीच विवाद हो गया। कुछ देर बाद सलमान और अजमत ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और पहली मंजिल पर याकूब की फैक्ट्री में घुस गए और उन्होंने उन पर और अन्य लोगों पर लाठियों और चाकू से हमला कर दिया। ये मेरा छोटा भाई है याकूब, इसी का कारखाना है। भैया यहाँ पे भीड़ नहीं लगाओ। इसका कारखाना ऊपर है, नीचे चावल की एक दुकान है। तो कारीगरों का आना जाना रहता है सामने से गुजरते हुए, तो एक आध बार कहा होगा चावल वालों ने कि इधर से मत निकलो या कुछ, तो इस बात पर कुछ कैन सुनन हो गई। तो जिसके बाद में ये नतीजा हुआ कि वो उन्होंने कुछ लड़कों को बुलाया, ऊपर चले गए और जो मुझे मालूम हुआ है उन्होंने छुरियों से या जो भी कुछ उनके हाथ में हथियार रहे वो धारदार चीज़ें उससे हमला करके इन लड़कों को जब्ती कर दिया। सर हम लोग खाना लेने भेजा, हमने बच्चों को खाना लेने गया, खाना लेके वो आ रहा था तो इसने गाली दी उसे नीचे चावल वाले ने, फिर ऊपर आकर उसने हमें बताया, हमने सुना, हमने उससे जाकर पूछा भाई गाली क्यों दे रहे हो, क्या बात हुई, हम यही सब कर पूछ के ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद हम सब लोग ऊपर आ गए, फिर इसने बंदे बुला के ऊपर सारे लोग आके छुरी चाकू और तमंचे सब कुछ लेके आ गए। फायरिंग वायरिंग नहीं की लेकिन बहुत सारा मारा सब कुछ। उसमें इन्होंने कुछ कह दिया होगा तो रिप्लाई में वो चार पाँच बंदे आके छुरी लेके चाकू लेके और पूरी तरीके से इनको छः बंदे को मैंने खाना है। और मेरी फैमिली भी ऊपर रहती है, बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने गेट बंद कर लिया, उसको भी तोड़े दे रहे, वरना उनको भी वो खान देते। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आगामी त्योहारों को देखते हुए चेकिंग अभियान किया जा रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जगह जगह चेकिंग अभियान जारी है, मार्केट्स में भी चेक किया जा रहा है और कई एजेंसीज बुलाकर मॉकटेल भी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से केरल में ब्लास्ट हुआ उसे देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट पर है। देखिए ये पहले से ही हमारा सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है राइट फ्रॉम रामलीला शुरू होने से पहले से एक हाइटन स्टेट पे है, बिकॉज ये फेस्टिव सीज़न है। पूरा रामलीला दुर्गा पूजा का दौर निकला, फिर दशहरा हुआ, अब धीरे धीरे हम लोग दिवाली की तरफ जा रहे हैं। तो एज सच हम लोग थोड़ा सा अपनी पेट्रोलिंग और अपनी विजिबिलिटी और प्रेजेंस सड़कों पे और मार्केट प्लेसेस पे जहाँ ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ पे हम लोग ने बढ़ाने की कोशिश की है, हमारी मोटरसाइकिल्स और ERVs। और अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हो गया था केरला में, उसके बाद एक हमारे लिए भी एक चिंता का विषय बना था। तो उस दिन भी मैंने एक एडवाइजरी इशू किया था अपने सारे SHOs को और SDPOs को कि अपने गेस्ट हाउसेस चेक करने हैं, आपने मार्केट प्लेसेस में RWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सबसे बात करो, सबको सेंसिटाइज करो, जहाँ हो सके वहाँ पे DFMD लगाएं और चेकिंग करें, सर्चिंग फ्रिस्किंग करें। और एक चीज़ और है कि जहाँ पे पब्लिक PA सिस्टम लगा सकते हैं, जहाँ पे अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं जैसे कुछ मार्केट प्लेसेस में, तो वो किया जाए। तो हमारा जो ज़िला है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है और बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला है, तो हमारे लिए एक चैलेंज रहता है ये। और ये फेस्टिव सीजन में हम सारे काफ़ी अलर्ट होकर ड्यूटी कर रहे हैं। शकरपुर में बने मोहल्ला क्लिनिक का हाल बेहद ही खस्ता है। मोहल्ला क्लिनिक लोगों के फ्री इलाज के लिए बनाए गए हैं और साथ ही इसलिए ताकि सरकारी अस्पतालों में लगने वाली लंबी लंबी लाइनें और भीड़ भाड़ से मरीजों को राहत मिल सके। क्लिनिक में अंदर से सफाई है लेकिन बाहर काफी कूड़ा पड़ा रहता है, लोग खुले में शौच कर जाते हैं, पानी जगह जगह भरा रहता है लेकिन कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि इस क्लिनिक में इलाज के लिए आते हैं लेकिन बीमारियों को अपने साथ ले जाने का डर बना रहता है। मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है यहाँ पे, शकरपुर स्कूल ब्लॉक लगता है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, बीमारियों का इलाज होता है लेकिन यहाँ तो कुछ और नज़र आता है। बीमारियों का इलाज किया, यहाँ तो बीमारी लोग साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल है, सफाई के नाम पे तो जीरो है, जीरो मतलब ग्राउंड जीरो है। आप देखिए पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, गंदगी है, बुरा हाल है, सफाइयाँ नहीं हो रही, पता नहीं कितने दिन कितने महीने हो गए। बीमारी का भी डर है, अभी बीमारी फैल सकती है, कूड़ा है
और यहाँ पर अगर दिवाली का टाइम है, कोई एक वहाँ पे बम पड़ गया, कोई रॉकेट गिर गया, तो वैसे आग लग जाएगी। इस बिल्डिंग का होगा क्या, भगवान मालिक है। कोई प्रशासन, कोई मोहल्ला क्लिनिक, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंदर तो सफाई है मैडम, लेकिन बाहर तो एंट्री तो यहीं से है ना। जो जाएगा साथ लेके ही जाएगा गंदगी, और जो बाहर आएगा तो गंदगी अपने साथ ही लेके जाएगा। अंदर की सफाई से क्या है। मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे गाड़ियों की भरमार है, या तो पार्किंग बनी हुई है, पैसे दो पार्किंग करो। जय श्री राम। कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, माए बाप है ही नहीं यहाँ का कोई। मैडम ये 2013 में ये बिल्डिंग पूरी डिस्पेंसरी के लिए अलॉट हुई थी, 2000 यार्ड के करीब जगह है, लेकिन इसमें तमाम ऑफिसेज बना दिए। आप पता नहीं, कैट्स का ऑफिस है, डेंगू का नियंत्रण का डाटा इकट्ठा किया जाता है उसका ऑफिस है, और अब ये एक मोहल्ला क्लिनिक। हालाँकि इसमें बेड्स की भी प्रावधान रखा गया था, जब शीला जी की सरकार थी उस टाइम पे बेड्स भी लगेंगे, लेकिन इसको एक छोटे मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया। और आप इस वक्त अवस्थाओं का यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ देखेंगे जनरेटर लगे हुए हैं और इनका इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है पूरा। वहाँ पर सूखे पत्ते इकट्ठे हो चुके हैं, दिवाली का समय है, रॉकेट और बम लोग चलाते हैं, कोई बम या रॉकेट आकर गिर गया तो कितनी कैजुअल्टी होगी, क्योंकि आसपास रिहायश भी है, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, कितनी कैजुअल्टी होगी इसके भगवान ही बता सकता है। यहाँ पर सैनिटेशन जो वर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, सफाई व्यवस्था रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वास्थ्य का एक वो चला रहे हैं। फॉगिंग वगैरह का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं साफ़ सफाई कुछ है ही नहीं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर पंपिंग का भी एक वो है, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो पानी स्टोर हो रखा है। पता नहीं कौन इसका इंचार्ज है, उसने क्यों नहीं अभी तक शिकायत की गई। बिल्डिंग को भी नुकसान हो रहा है, बेसमेंट में पानी जा रहा है, और आपने पीछे देखा होगा अभी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और पानी स्टोर हो रहा है। मच्छर, आप कहते हैं घर घर है तैयार डेंगू पर वार, घर घर तो तैयार है, लेकिन आप कितने तैयार हैं वो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो हालात है इस वर्तमान वो बता रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर जल बोर्ड सीवर का पानी बरसाती नाले में बहा रहा है, इससे नाले ओवरफ्लो होने से सड़क पर गंदा पानी जमा हो रहा है। बरसाती नाले में जल बोर्ड पिछले महीने से शकरपुर क्षेत्र के सीवर का गंदा पानी बहा रहा है, इससे लोग काफी परेशान हैं। यहां रोड पर पानी भरने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने यहां से गुजरने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां कई महीनों से ये पानी सड़क पर बहता रहता है, लेकिन उसके बाद भी कोई साफ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से बदबू होती है और रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नाली का पानी आता है, जगह निर्माण दयानंद ब्लॉक है, बस नाली का पानी आता है। ये बारिश हुई तब से कभी बंद हो जाता है, कभी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी बहुत तो स्मेल आएगी नाली का पानी होगा, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे। तो ये उधर स्कूलें हैं और बच्चों को दिक्कत होती है हमारे से ज़्यादा। तो पता नहीं मैम कब से है, दिक्कत तो है, बहुत परेशानी होती है, मच्छर पैदा होते हैं इससे, मच्छर आने आने जाने और दिक्कत, रोड खराब, सारा ट्रैफिक हो जाता है इसमें, छीटे पड़ते हैं। मैम डिपार्टमेंट तो कुछ करता ही नहीं है, सालों साल पड़ी रहती है ऐसी सड़कें, देखने के बाद भी नहीं होता काम इस पर हमेशा। और कुछ भी एक जरा भी पानी हो या कहीं से कोई पानी हो रुके तो यहाँ ये हो जाती है प्रॉब्लम, और ये तो बहुत कम है, आगे तक बहुत ज़्यादा तक होता है, बिल्कुल आ जाता है, इस साइड आ जाता है। ये नीचे अंदर सारा ब्लॉकेज है ना, जो सफाई वाले भी झाड़ू लगाते हैं वो भी सारा इनमें ब्लॉक कर देते हैं कूड़े को, ड्रेनेज के। तो आप देख ही रहे हो, लोग भी देखते हैं, अब आप मुझे को देख रहे थे मैं कैसे आ रही थी, प्रॉब्लम्स तो हैं ही, ये तो रियलिटी है, बीमारियों की भी डर है, वैसे भी स्मेल आती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, सुबह सुबह तो यहाँ जाम लग जाता है। दिक्कत यही है कि पानी आने जाने वाले लोगों को दिक्कत है, स्कूल के बच्चे हैं, सामने स्कूल है, बच्चे को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी परेशानी हो रही है, जो बच्चे गिर भी रहे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और मैम वही करना पड़ रहा, बच के ही निकलना पड़ रहा, और क्या कर सकते हैं, हम भी बच के निकले हैं। डिपार्टमेंट को कंप्लेन करना चाहिए, इसको सही करवानी चाहिए, और क्या करनी चाहिए। शाम तक भी देखो ना भरा रहता है, रोड वोड सब गड्ढा गुड्ढी हो गया सारा, शाम के ख़त्म हो जाता है फिर कल से भर। हाँ, और एक दिन आया था MCD वाले, सफाई करके चला गया था, फिर इसके बाद बंद हो गया था, फिर चालू हो गया ये पानी, कहीं से चालू कर देते मोटर वोटर। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी रामलीला ग्राउंड में 8 नवंबर को नेशनल गटका कंपटीशन कप का आयोजन होना है, जिसे लेकर आयोजक गुरमीत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर इस ग्राउंड का जायजा लिया। आयोजकों ने बताया कि 8 नवंबर को ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा और पहला गटका कंपटीशन होने वाला है, जिसे देखकर युवा हमारी पारंपरिक धरोहर से जुड़ेंगे और जानेंगे, साथ ही शास्त्र विद्या भी सीखेंगे। आज हम सारे
यहाँ पर जो हमने 8 नवंबर का प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है, जनरली मार्च और नेशनल गतका कंपटीशन, उसकी प्री प्रोग्राम मीटिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ठीक करके हम कैसे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करना भी है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे हुए हैं। 8 नवंबर को डेरा बाबा करम सिंह साहब से 1 बजे जनरली मार्च निकलेगा और भिन्न भिन्न स्थानों से होता हुआ गीता कॉलोनी ग्राउंड में 3 बजे पहुँचेगा, और इसमें पूरे हिंदुस्तान से टीमें शामिल हो रही हैं, और ये जनरली मार्च भी पहली बार जमुना पार में होने जा रहा है। तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं युवाओं? मैसेज हम युवाओं को देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचकर अपनी विरासत को देखें और गतके के जौहर देखें, जिनसे उनको भी प्रेरणा मिले। ये जो 8 तारीख को नेशनल गतका मुकाबला हो रहा है, ये पहली बार ईस्ट दिल्ली में हो रहा है और बड़े लेवल पर हो रहा है। अच्छी टीमें आ रही हैं इसमें, अलग अलग जगह से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, चेन्नई, ये सारी जगह से हमारी टीमें आ रही हैं यहाँ पे। तो आपको ये देखने को बहुत अच्छा मिलेगा कि जो हमारे 6वें पातशाह की चलाई शस्त्र विद्या थी, कि उसमें छोटे बच्चों से लेके गर्ल्स से सारी यहाँ पे बच्चे खेलेंगे। वो जो उसमें से जीतेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें इनाम दिया जाएगा उसको। सरदार गुरमीत सिंह जी की तरफ से ये पहली बार इतना बड़ा उपराला हो रहा है, हम इनको धन्यवाद करते हैं, इन्होंने ऐसा उपराला रखा है। और बड़े चंगे ढंग दे नाल सरदार गुरमीत सिंह होरां ने इहदा उपराला कीता है। ये जिहड़ा मार्च पास भी है, उहदे च भी सारियां जथेबंदियां आ के शस्त्र विद्या दे उत्थे भी खेडिया जाएगा, मगर इहदा मुकाबला इस स्टेज ते होएगा। जो शस्त्र विद्या गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सानू बख्शी ना, तो सानू नाल ये उपराला भी किया भी है, मनुख तू जिते बाणी पढ़नी उत्थे शस्त्र विद्या भी सिख्या कर। तो जिहड़ियां कौमां कोलों शस्त्र मुक जाण उस कौमां कमजोर हो जांदियां, तो जिन्हां को शस्त्र ठीक रहिंदे ने कौमां चढ़दियां कला जांदियां, देश को शस्त्र मुक जाण देश गुलाम हो जांदे ने। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सानू ये बख्शा भई तुसीं हर वेले चढ़दी कला च रहना, इह उपराला इह संदेशा सारी दुनिया नूं देना चाहुंदे आ। साइबर सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। साइबर सेल पुलिस ने एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया है जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ यौन शोषण करता था। वह व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियों की अश्लील फोटोज और वीडियोज दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। कभी कभी खुद को दिल्ली का ACP और कभी खुद को दिल्ली का वरिष्ठ अधिकारी बताता था। पुलिस को इसे लेकर एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें एक अज्ञात व्हाट्सएप वीडियो कॉल प्राप्त हुई जिसमें एक लड़की बिना कपड़े पहने बैठी थी। फिर उसने शिकायतकर्ता के चेहरे के साथ स्क्रीनशॉट लिया। कुछ देर बाद उसके पास 2 अन्य नंबरों से कॉल आई और वे कह रहे थे कि वे साइबर क्राइम दिल्ली से बोल रहे हैं और कथित स्क्रीनशॉट अभी वायरल नहीं हुआ है। उन्होंने पीड़ित को धमकी दी कि वह उन्हें बड़ी रकम दे वरना जल्द ही वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कथित व्यक्ति ने उसे एक लड़की की लटकी हुई तस्वीर भेजी और कहा कि उस उक्त लड़की मर चुकी है। उन्होंने शिकायतकर्ता को उसके व्हाट्सएप पर पुलिस वारंट भी भेजा। शिकायतकर्ता डर गया और उसने जालसाज द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में लगभग 12,80,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्होंने PS साइबर में रिपोर्ट की और उनकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई। जांच के दौरान आरोपी बरकत खान को पकड़ा गया और उसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन समेत 3 सिम कार्ड बरामद किए गए। आरोपी बरकत खान से विस्तृत पूछताछ करने और उक्त आरोपी से बरामद मोबाइल फोन की CDR और IMEI नंबरों के विवरण का विश्लेषण करने पर पता चला कि इस अपराध में 2 से 3 व्यक्ति और भी शामिल थे। रिश्वत मांगने के मुद्दे से जुड़ा एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 217 दिलशाद गार्डन का है। निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की बहन प्रीति पर रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप ये है कि वह लेंटर पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रही हैं। बहन प्रीति पर आरोप प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल हंस डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण कार्य चल रहा है। डॉक्टर नीरज गुप्ता का कहना है कि यह क्षेत्र पहले से ही अवैध निर्माण में चल रहे हैं, लेकिन हमारा निर्माण कार्य आंशिक तौर पर दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत वह वैध है। हमने इस भवन का नक्शा MCD द्वारा स्वीकृत कराया है। पिछले 5 महीने से निर्माण कार्य रोका हुआ है और फिर भी MCD के अधिकारी JCB मशीन द्वारा हमारे कार्य को गिराने में लगे हुए हैं। क्षेत्र पार्षद प्रीति का कहना है कि अगर मैंने कुछ किया है तो कोई सबूत दें। वो खुद एक पार्षद के पति हैं। अगर मैंने पैसे मांगे होते तो और भी कोई इल्जाम लगाता। उनका इल्जाम सरासर गलत है। वे कोई सबूत दे दें। असल में ये जो कॉलोनी है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है और ये जो लैंड है जहाँ हम खड़े हैं इंडस्ट्रियल लैंड है और ये प्रॉपर्टी हमने करीब लगभग 4-4.5 साल पहले हमने परचेज की थी प्रॉपर्टी और यहाँ का नक्शा वगैरह हमने सब कुछ अप्लाई किया हुआ है। रेगुलराइज करने के लिए भी हमने अप्लाई कर रखा है। कोर्ट में भी हमने केस डाला है MCD के ऊपर कि भाई हमारा कंस्ट्रक्शन ना तोड़ा जाए और इसमें रोक भी लगी हुई थी कि तोड़ा ना जाए, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद है प्रीति जी उन्होंने हमसे कहा क्लियर, हमारे जो यहाँ के केयर टेकर थे उन्होंने घर बुलाया, अपने घर बुला के उनसे कहा कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है
तो 1 करोड़ रुपया प्रति लेंटर मुझे आपको देना पड़ेगा कैश। हमने कहा हमें रसीद तो हम आपको अकाउंट में देंगे, कह रहे नहीं मुझे कैश चाहिए 1 करोड़ रुपया प्रति लेंटर। मैंने मना करा भैया मैं 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं दूंगा, मेरा काम रुकता है रुक जाए, मेरा टूटता टूट जाए, 1 रुपया मैं रिश्वत का नहीं दूंगा। मैंने मना करा, मेरे पे कार्रवाई हो रही है। इसी क्षेत्र में आप देखिए दसियों बिल्डिंगें बन रही हैं, 1000 गज की बिल्डिंगें बन रही हैं, क्योंकि सबने रिश्वत दे दिया है, किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही। आप जाकर पूछो उनके कौन से कागज पूरे हैं। MCD का बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलने का कारण एक ही रहा है, क्योंकि जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके साथ कम से कम नहीं तो यहाँ पे 20-25 बिल्डिंगें और बन रही हैं। एक MCD का कम्युनिटी सेंटर, उसके सामने भी एक 3000 गज की जगह बन रही है, जस्ट एक हमारे सामने भी बन रही है, एक इससे आप थोड़ा पीछे जाइए वो भी 2000 गज की साइडें बन रही हैं। अगर उन साइडों पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह का कल यहाँ बुलडोजर चला है, तो इसका मतलब इसके पीछे प्रेस बुलाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर क्यों बुलडोजर चला। तो ये भी बताया होगा किस पे की है, ये भी बताया ही होगा कि किस पे की है, किसी वीडियो पे, किसी फ़ोन पे, किसी पे लेटर दे के, किसी बंदे को भेज के, कोई तो प्रूफ होगा जो इतना बड़ा बोल रहा है। और वो एक काउंसलर के पति हैं, मेरे पास आ सकते थे, मुझे मिले वो जोन में कि बहन जी मेरे भाई की, उन्होंने ये नहीं बोला मेरी, उन्होंने बोला मेरे भाई की एक प्रॉपर्टी आपके इलाके में बनी। मैंने उन्हें ठीक जवाब दिया कि मैं बिल्डिंग के मैटर में नहीं जाती हूँ, आप जानो कॉरपोरेशन जाने, क्योंकि बिल्डिंग, अब आप ये सोचिए मैं 20 साल से यहाँ पर लगातार पार्षद चली, अब 15 साल मैं पहले रही, अब 20वां साल मुझे अब शुरू हो जाएगा, 20वां राउंड मेरा। और मेरे टाइम में झिलमिल से लेके पूरे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जबकि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का इतना सा हिस्सा रह गया है, मेरे पास तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती थी, क्या इसमें से कोई एक नहीं बोला कि मैं कितनी करप्ट हूँ या मैं क्या लेती हूँ क्या देती हूँ। और मैं तो अभी भी कहती हूँ आप अपनी वीडियो चलाएं और सारे को पब्लिकली अनाउंस करें कि प्रीति ने किस किस से कौन कौन सी बिल्डिंग से लिया, वो बाहर आके बोले, मैं तब मानूंगी कि प्रीति लेती है कुछ। कहना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, अगर मैंने बुलाया सपोज वो आए और मैंने डिमांड कर दी उनके हिसाब से, तो वो थाने क्यों नहीं गए निकल के कि जी ये इसके पास गए थे या हमारे से इतनी डिमांड कर रही है। अनपढ़ लोग तो आजकल कोई भी नहीं, आजकल तो मीडिया 24 घंटे, और जो आर मीडिया को बुला बुला के इतना ऊँचा ऊँचा बोल रहे हैं, इन्होंने तब मीडिया क्यों नहीं बुला लिया इस बात को, तो ये 3 महीने बाद। और ये प्रॉपर्टी मेरे आने से पहले बनी है, मेरे सामने नहीं बनी है। दिल्ली सरकार के मुफ्त राशन वितरण जो कि दिसंबर 2023 तक दिया जाना है, समय सीमा के खत्म होने से पहले ही नवंबर महीने में चावल की कमी सामने आ गई। पूर्वी दिल्ली के शहादर डिस्ट्रिक्ट में नवंबर महीने के राशन में चावल की पूर्ति गेहूं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को 5 किलो राशन जिसमें 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं दिया जाता है। उसमें शहादर डिस्ट्रिक्ट में कई राशन की दुकानों पर एक व्यक्ति पर 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं। जब इसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने राशन की दुकानों पर जाकर देखा तो जनता ने बताया कि राशन पूरा मिल रहा है लेकिन 2 किलो चावल की जगह 1 किलो चावल कर दिए हैं और 3 किलो गेहूं की जगह 4 किलो कर दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए शहादर डिस्ट्रिक्ट में स्थित दयानंद मार्केट के कार्यालय पहुंचे तो वहां संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं थे। साथ ही सरकारी कार्यालय में लाइटें भी नहीं थी और न ही बैटरी बैकअप था। वहां जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि कार्य केवल 1 बजे तक ही किए जाते थे और लाइट की व्यवस्था नहीं थी। पूर्वी दिल्ली के सरकारी कार्यालय की हालत बेहद खराब देखी गई। हमारा भैया 6 बच्चे इनका, भैया 10 किलो तो ये मिले चावल, अब गेहूँ देखो कितने लिख रहे हैं इसमें। हाँ भैया हमें तो पूरा मिल रहा, देखो वैसे ही अलग है किसी को 5 किलो चावल, हाँ 25 किलो मिलता, 5 किलो चावल 20 किलो गेहूँ, हाँ 5 किलो चावल है और गेहूँ 20 किलो, उतने ही दे ही रहे हैं, हाँ 5 जने पर 25 किलो दे रहे हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CNN Live। नमस्कार।